अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब घर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक इनपुट ऑब्जेक्ट जो कि हम इनपुट देने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट, इसका नेम होगा सी इन। ठीक है, सी का मतलब होगा कंसोल, सी का मतलब होगा कंसोल, और आई एन का मतलब होगा इनपुट। ठीक है, आई एन का मतलब होगा इनपुट इनपुट। और इसके लिए जो हेडर फाइल यूज़ होगी, हेडर फाइल का क्या मतलब है, अगर हम सी इन को यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसे डिक्लेयर करना होगा। तो इसकी जो डिक्लेरेशन होती है, इसकी जो डेफिनेशंस होती है, वो सारी हेडर फाइल्स में पड़ी होती हैं, और उस हेडर फाइल का नाम होगा iostream.h। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर्स में सारी डिटेल से डिस्कस की है। तो iostream.h का मतलब क्या होता है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, और डॉट एच यानी कि हेडर फाइल है। आज के दिन हमारा लेक्चर नंबर 29 है। अब देखें, पहले यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। अगर ये मैं कहूँ यूज़र स्क्रीन है, क्या है यूज़र स्क्रीन, यूज़र, एक मिनट बस, यूज़र स्क्रीन है ये, आगे हमारे पास यूज़र स्क्रीन, और यहाँ पे मैं यूज़र स्क्रीन बना लेता हूँ। ठीक हो गया। अब देखें, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट यूज़ कर लेता हूँ, ऑब्जेक्ट 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 कौन सा, वो इनपुट का भी हो सकता है, आउटपुट का भी। तो आउटपुट वाला ऑब्जेक्ट हम पढ़ के आ चुके हैं, आउटपुट वाला ऑब्जेक्ट था सी आउट है। ठीक है, आउटपुट वाला ऑब्जेक्ट था सी आउट, और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सी इन को। ठीक है, यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज़ होता है, यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज़ होता है जिसे इंजर्शन ऑपरेटर या एक्सट्रेशन ऑपरेटर भी कहते हैं। तो सी आउट के लिए जो है वो ये वाला है। ठीक है, ये सी आउट के लिए है, और जो सी इन के लिए हम यूज़ करेंगे वो ये वाला होगा। ठीक हो गया, और यहाँ पे कोई ना कोई मैसेज होगा, क्या होगा, मैसेज मैसेज हुआ करेगा। अब देखिएगा, यहाँ से गौर करिएगा, सी इन और सी आउट दोनों चीज़ें जो हैं वो वर्क कैसे करती हैं। सबसे पहले देखें कि ये जो भी मैंने मैसेज लिखा, आउटपुट के लिए पहले बताने लगा हूँ, जो भी मैंने मैसेज लिखा, ये मैसेज इंजर्शन ऑपरेटर की मदद से ऑब्जेक्ट में चला गया। किस ऑब्जेक्ट में चला गया, सी आउट के पास चला गया। ये जो भी मैंने मैसेज लिखा, ये इस ऑपरेटर की वजह से, ऑपरेटर के अलामत भी देख लें, इस तरफ जाने को है। ठीक है, ये ऑपरेटर की मदद से सी आउट ऑब्जेक्ट के पास चला गया, और इस ऑब्जेक्ट ने इस मैसेज को स्क्रीन पे दिखा दिया। ठीक है, फ़र्ज़ किया है यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने एक्स लिख दिया था, तो एक्स की वैल्यू थी 5। ठीक है, तो उसने क्या किया, एक्स की वैल्यू जो है, एक्स की वैल्यू इस ऑपरेटर की मदद से सी आउट के पास गई, और सी आउट ने इसको स्क्रीन पर शो करवा दिया। ठीक हो गया, अब देखें अब क्या होगा। अब ये तो आउटपुट के लिए था, यानी कि यूज़र स्क्रीन पे कोई चीज़ दिखाना। अब इनपुट लेनी है तो हम यूज़र स्क्रीन पे कोई टाइप करेंगे, फ़र्ज़ किया मैंने 5 टाइप किया। अब ये 5 जो है सी इन की मदद से, यानी कि पहले सी इन के पास आएगा, और फिर सी इन की मदद से इंजर्शन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के पास आएगा, और इससे वेरिएबल एक्स में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के उलट हैं। यहाँ पे क्या होता है, मैसेज पकड़ के पहले सी आउट के पास जाता है, फिर स्क्रीन पे शो हो जाता है। इनपुट में क्या होता है, यूज़र स्क्रीन से मैसेज पहले सी इन के पास आता है, फिर उसके बाद वेरिएबल में चले जाती है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये सारा हमारे पास कंसेप्ट था, ये कैसे यूज़ होता है, इसका क्या सिंटैक्स है, क्या रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम इनको अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। दो प्रोग्राम करके भी हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड इनपुट के बारे में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, कीबोर्ड से कोई भी चीज़ हम देना उसको स्टैंडर्ड इनपुट कहते हैं। वैसे तो हम स्कैनर से भी इनपुट दे सकते हैं, हम माउस के ज़रिए भी इनपुट दे सकते हैं, कीबोर्ड के ज़रिए भी इनपुट होती है, माइक्रोफोन के ज़रिए भी इनपुट होती है, लेकिन जो कीबोर्ड के ज़रिए इनपुट होती है ये कॉमनली यूज है, और इसको स्टैंडर्ड इनपुट कहा जाता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट द टर्म स्टैंडर्ड इनपुट रेफर्स टू द इनपुट गिवन विया कीबोर्ड, कीबोर्ड की मदद से दी जाने वाली इनपुट को हम स्टैंडर्ड इनपुट के तौर पर बयान करते हैं। सी प्लस प्लस यूजेज सी इन स्ट्रीम ऑब्जेक्ट टू गेट स्टैंडर्ड इनपुट,
स्टैंडर्ड इनपुट गेट करने के लिए सी प्लस प्लस में सी इन स्ट्रीम का यूज़ किया जाता है, सी इन स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। स्ट्रीम ऑब्जेक्ट मैंने कहा था ना, आई ओ स्ट्रीम, तो इसमें इनपुट आउटपुट वाले ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख दिया गया, इनपुट वाला ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है कौन सा, सी इन है कंसोलिंग इनपुट वाला, और ये एक है स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है। अब देखें सी इन का मतलब है कंसोलिंग इनपुट, ये भी मैंने आपको बता दिया। सी प्लस प्लस हैंडल्स स्टैंडर्ड इनपुट बाय अप्लाइंग द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर विद सी इन स्ट्रीम। देखें स्टैंडर्ड इनपुट को हैंडल करना और इसको अप्लाई करने के लिए हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं सी इन स्ट्रीम के साथ, ठीक है। तो यानी कि ये चीज़ इसमें यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती है हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। द ऑपरेटर मस्ट बी फॉलोड बाय अ वेरिएबल, इस ऑपरेटर के आगे हमारे पास कोई ना कोई आगे वेरिएबल आना चाहिए, ठीक है, कोई कॉन्स्टेंट नहीं आ सकता, बल्कि हमारे पास क्या आना चाहिए, कोई एक्सप्रेशन भी नहीं आ सकता, हमारे पास क्या आना चाहिए, लाजमी बात है वेरिएबल आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कह दिया मस्ट बी, मस्ट जहाँ पे है ना वो लाजमी तौर पे यही चीज़ आनी चाहिए, ठीक है, वेरिएबल के अलावा कोई चीज़ नहीं आया करेगी। द वेरिएबल यूज टू, अब देखें कैसे आएगी मैं आपको बता देता हूँ। तो सी इन मैंने लिख दिया सी इन, और ये मैंने एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगा दिए, आगे मैं वेरिएबल लगा देता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, सी इन का यूज़ बन गया। अगर मैं एक से ज़्यादा वेरिएबल्स लिखना चाहता हूँ तो मैंने कोमा लगा के वाई भी लिख दिया, मैंने कोमा लगा के जी भी लिख दिया, ठीक है। जब स्टेटमेंट ख़त्म हो गई तो एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर सेमी कॉलन लाजमी लगाना है, सही हो गया। द वेरिएबल, वेरिएबल हम क्यों यूज़ करेंगे, इस वजह से क्योंकि जो भी इनपुट हम स्क्रीन पे देंगे वो कहाँ पे स्टोर होगी, इस वेरिएबल में स्टोर होती है। तो वेरिएबल एक ऐसी चीज़ है जिसमें इनपुट डाटा स्टोर किया जाता है। सिंटैक्स आ गया सी इन वेरिएबल, ठीक है। सी इन क्या है, ऑब्जेक्ट का नेम है जो कि स्टैंडर्ड इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है। ये क्या है, इसको हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर भी कहते हैं या गेट फ्राम ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है। ये गेट करता है इनपुट को फ्राम सी इन ऑब्जेक्ट। देखें ये चीज़ क्या करती है, ये सी इन से इनपुट लेता है और एक्स वाई जी जो भी वेरिएबल है उसमें स्टोर करवा देता है। आगे कहाँ से पढ़ना, यहाँ से। द सी इन ऑब्जेक्ट देन स्टोर द इनपुट इन द वेरिएबल, फिर सी इन ऑब्जेक्ट क्या करता है, वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर कर देता है। लेफ्ट साइड पे इनपुट स्ट्रीम वाला फंक्शन होना चाहिए और राइट हैंड साइड पे वेरिएबल या सिंपल डाटा टाइप, किसी भी सिंपल डाटा टाइप का वेरिएबल होना चाहिए। देखें इस चीज़ के लेफ्ट पे क्या आएगा, लेफ्ट अगर हम बात करें तो हमेशा सी इन आया करेगा, और अगर राइट की बात करें राइट पे क्या आएगा, तो राइट पे हमेशा वेरिएबल आया करेगा, ठीक है। तो ये लाइन लिखी गई है। अब देखें नेक्स्ट, वन स्टेटमेंट कैन बी यूज मल्टीपल एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर टू गेट मल्टीपल वैल्यूज, एक ही स्टेटमेंट में हम एक से ज़्यादा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स को अप्लाई करके मल्टीपल वैल्यूज ले सकते हैं। तो ये वाली चीज़ है, ये शायद मैंने गलत लिख दी, ये इस तरह आनी थी सी इन एक्स वाई और जी। देखें एक ही स्टेटमेंट में मैंने तीन वेरिएबल्स को वैल्यू साइन, तीन वेरिएबल्स की इनपुट लेने के लिए इसको यूज़ किया, ठीक है। तो ये कहा गया है कि एक ही स्टेटमेंट में हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए मल्टीपल एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज़ करने होंगे। देखें यहाँ पे मैंने तीन यूज़ किए हैं, ठीक हो गया। वेर क्या होता है, ये वेरिएबल लिखा हुआ है, इट इज़ द वेरिएबल इन विच द इनपुट इज स्टोर्ड, ये वो वेरिएबल होगा जिसमें इनपुट वाली वैल्यू स्टोर हुआ करेगी। एग्जाम्पल दे दिया सी इन एक्स, तो गेट अ वैल्यू फ्राम कीबोर्ड, कीबोर्ड से एक वैल्यू लेगा जो कि इस वेरिएबल एक्स में स्टोर करवा देगा। सी इन ए बी सी, ये कीबोर्ड से वैल्यू लेगा और इसे स्टोर करवा देगा ए बी सी में। प्रोग्राम हमारे पास आ गया, तो प्रोग्राम मैंने आप लोग को लिखने सिखाए हैं और सीन पढ़ने के बाद हम सारे प्रोग्राम जो है ना वो टर्बो पे करेंगे, ठीक है। आप लोगों के बेसिक्स वगैरह क्लियर हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, मेन फंक्शंस और मेन फंक्शन की बॉडी, ठीक है। और उसमें हमारे पास सबसे पहले डिक्लेरेशन यूज़ होती है। देखें यहाँ पे आपको पहले थोड़ा सा बता देना, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ठीक है, मेन फंक्शन F1 लिख देता हूँ मेन फंक्शन, और इसके बाद बॉडी स्टार्ट हो जाती है। बॉडी में सिर्फ और सिर्फ तीन चीज़ें होती हैं, पहली डिक्लेरेशन या इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन, ठीक है, डिक्लेरेशन। इसके बाद इनपुट के लिए सी इन यूज़ हुआ करेगा, ठीक है। इसके बाद प्रोसेसिंग, कोई ना कोई फार्मूला यूज़ किया जाएगा, और फिर हमारे पास आ जाएगी आउटपुट और उसके लिए सी आउट यूज़ किया जाएगा।
और गेट सी एच और क्लियर स्क्रीन तो हम लाजम लिख। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोग्राम ये है। उन्होंने कहा है कि राइट प्रोग्राम इनपुट नेम, इनपुट क्या ले, नेम ले, एज ले और एड्रेस ले फ्रॉम द यूज़र। ठीक है, एज लेनी है तो एज हमेशा आपको पता है कि इंटीजर वैल्यू होगी, तो इसके लिए मैं लिखूँगा इंटीजर एज। ठीक हो गया। और अब देखें इंटीजर एज, ठीक है, अब देखिएगा एड्रेस भी लेना है और नेम भी लेना है। नेम और एड्रेस आपको पता है कि हमारे पास नेम और एड्रेस जो है वो एक स्ट्रिंग होंगे, यानी कि एक से ज़्यादा करेक्टर होंगे। फिर हम करेक्टर डाटा टाइप लेंगे करेक्टर, और नेम का एन नाम रख देते हैं, और हम इसमें खाली भी छोड़ दें या अपनी मर्ज़ी इसमें कोई नंबर लिख दें। इस नंबर लिखने से क्या होगा कि वो इतने इतने लेटर्स को स्टोर करवा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे एक बाकी एड्रेस है तो एड्रेस के लिए ए लिख दें। ठीक है, ये हमारे पास। अब सीन को यूज़ करेंगे, सीन को इस तरह यूज़ करेंगे, पहले एज को इनपुट करवा लेते हैं एज में। ठीक है, फिर हम सीन लिखेंगे और सीन में हम किस में इनपुट करवा लेंगे, एन वेरिएबल में। ठीक है, और फिर सीन लेंगे और उसमें हम किस में इनपुट करवा लेंगे, ए में करवा लेंगे। ठीक है, और फिर सी आउट के ज़रिए इनको शो करवा देंगे। ठीक है, एक को मैं शो करवा के बता देता हूँ, और ये आ जाएगा एज जो है किसके बराबर आ जाएगा, ये वैल्यू जो है उठाई जाएगी कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, ये इस तरह चलेगा। बाकी हम प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आ गई, कौन से, आईओ स्ट्रीम और कनायो डॉट एच। आईओ स्ट्रीम इसलिए यूज़ की क्योंकि सी आउट भी यूज़ हो रहा था और सी इन भी। ठीक है, ये सारी स्टेटमेंट इसी की है, इस वजह से हमने सी इन को यूज़ किया है। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक है, ये भी, ये सारी क्या है, आईओ स्ट्रीम के रिलेटेड है, इस वजह से हमने इनको यूज़ किया है। और अगर कनायो डॉट एच की बात करें कंसोलिंग इनपुट आउटपुट की, तो इसके लिए क्लियर स्क्रीन को हमने यूज़ किया है और गेट सी एच को यूज़ किया है, इस वजह से कनायो भी हम लाजमी लगाएंगे। अब देखें वही बात जो मैंने कही, ये देखें चार मैंने एन नाम ले लिया था, उन्होंने नेम पूरा ले लिया। ठीक है, और मैंने एड्रेस के लिए ए ले लिया था, उन्होंने सिटी ले लिया। उन्होंने कहा कि 25 करेक्टर्स का, 25 लेटर्स का नेम होना चाहिए और 30 का एड्रेस होना चाहिए। इसके बाद इंट एज ली गई या क्लियर स्क्रीन किया गया। अब देखें जिस तरह ये मैंने किया है ना, इसमें हमें पता नहीं चलेगा कि मैंने पहले एज इंटर करनी है या एन की वैल्यू देनी है या एड्रेस एंटर करना है। तो ताकि हमें पता भी रहे हमने कौन सी वैल्यू एंटर करनी है, तो इसके लिए ये वाले पहले मैसेज स्क्रीन पे शो होगा इंटर योर एज, इसके बाद एज में हम इनपुट करवाएंगे। फिर मैसेज शो होगा सी आउट के जरिए, डबल कोटेशन में जो चीज़ लिखते हैं वो टू द पॉइंट स्क्रीन पे आ जाती है। इंटर योर फर्स्ट नेम, तो नेम जो भी हम टाइप करेंगे वो नेम वाले में आएगा। इंटर योर सिटी, तो जो भी टाइप करेंगे वो सारा सिटी में शामिल हो जाएगा। ठीक है, अब सी आउट बैक स्लैश एन, तो सी आउट के जरिए डबल कोटेशन के अंदर हमने लिखा योर नेम, इस ये स्क्रीन पे वैसे के वैसे शो हो गया, तो यहाँ पे डबल कोटेशन आने हैं, यहाँ पे लगा लीजिएगा। ठीक है, और बाकी जो वैल्यू होगी वो नेम से उठा ली जाएगी। योर सिटी इज, ये टू द पॉइंट स्क्रीन पे शो हो जाएगा और ये इसकी वैल्यू उठा ली जाएगी। ये टू द पॉइंट स्क्रीन पे शो हो जाएगा, इसकी वैल्यू उठाई जाएगी, और इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ख़त्म होगा। आउटपुट देखते हैं कि गेट सी एच हमारे यूज़र स्क्रीन पर उस वक्त तक रुका रहे जब तक के हम कोई करेक्टर नहीं दे देते। देखें सबसे पहले आ जाए यहाँ पे, ये सी आउट चला, ये सी आउट और टू द पॉइंट ये वाली चीज़ लिख दी गई। अब यहाँ पे मैंने जो भी इंट एज और यहाँ पे सीन में कोई अपनी मर्ज़ी से वैल्यू दूंगा, तो इसने 16 दे दिया। फिर इसके बाद दूसरी लाइन चलेगी, कलर चेंज करके बता देता हूँ। फिर दूसरी लाइन चलेगी एंटर योर फर्स्ट नेम, तो ये आ गया एंटर योर फर्स्ट नेम। तो फिर हम नेम एंटर करेंगे, लेकिन याद रहे किससे, 25 से छोटा है। ठीक है, 25 करेक्टर से छोटा है, तो इसने 5 लेटर्स लिए हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाएगा एंटर योर सिटी, और ये कहाँ स्टोर करवा दे, सिटी में, तो एंटर योर सिटी, ये फैसलाबाद लिखा हुआ है, ये कहाँ पर स्टोर हुआ, ये सिटी नाम के वेरिएबल में स्टोर हुआ। ठीक है, अब देखें ये भी चीज़ हो गई, यहाँ तक क्लियर हो गई सारी स्टेटमेंट्स।
ठीक है, अब देखें, अब डबल कोटेशन के अंदर ये बैक स्लैश एन लगा हुआ है, इसका मतलब न्यू लाइन, तो ये एक न्यू लाइन क्रिएट हो गई, ठीक है खाली। अब देखें इसके बाद डबल कोटेशन में लिखा हुआ योर नेम इज़, तो ये टू द पॉइंट स्क्रीन पे शो हो गया योर नेम इज़। अब ये हमारे पास इंसर्शन ऑपरेटर के बाद नेम लिखा होगा, तो नेम का मतलब नेम से वैल्यू उठाई जाएगी, तो नेम में हमने कौन सी वैल्यू लिखवाई थी, उस्मान, तो ये उस्मान शो हो जाएगा। इसी तरह नीचे डबल कोटेशन में लिखा, अब एंड एल न्यू लाइन क्रिएट कर देगा, तो ये यहाँ से न्यू लाइन पे आ गया, ठीक है। अब ये लिखा हुआ योर सिटीज़, तो डबल कोटेशन में ये टू द पॉइंट स्क्रीन पे शो हो जाएगा योर सिटीज़। और आगे सिटी लिखा हुआ है, तो सिटी की वैल्यू जो है वो उठा ली जाएगी, तो हमने सिटी फैसलाबाद लिखी थी वो आगे एंड एल न्यू लाइन पर दोबारा ले आया, ठीक है। तो सी आउट योर एज, ये टू द पॉइंट स्क्रीन पे शो हो गया, और एज की वैल्यू ये सामने आ गई, ठीक है, यहाँ पे एज लगा था। और एंड एल ने एक और नीचे लाइन खाली छोड़नी थी, तो ये डब्बा यहाँ पे ही नहीं ख़त्म होता, बल्कि डब्बा यहाँ पे ऐसे ख़त्म होगा, एक लाइन छोड़ी जाएगी क्योंकि एंड पे एंड एल लिखा गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर की समझ आई होगी। बाकी ये हमारा एक प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम को खुद ट्राई करने की कोशिश करें। देखिए हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है क्या, तो इसका हमें कोई ना कोई फार्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगी प्रोसेसिंग, ये हो जाएगी प्रोसेसिंग, ठीक है। और इसके बाद इनपुट हमने क्या लेना है, प्रिंसिपल अमाउंट लेना है, तो मैं सी इन में लिख दूंगा पी ए, ठीक है, अपनी मर्जी से जो मर्जी नाम रख दे, मैं पी ए रख दिया नाम, ये अंडरस्कोर यूज़ किया नाम इस तरह रख सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट इस तरह लिख दें सी इन, इसको हम आई कह देते हैं, ठीक है आई में रख देंगे। और नंबर ऑफ ईयर्स भी हमने, तो इसको वाई आर लिख देते हैं, ठीक है। और एंड डिस्प्ले सिंपल इंटरेस्ट, और जो भी फार्मूला हम लगाएंगे इस पे उसका आंसर बाद में सी आउट में दिखा देंगे, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को जिनमें इनपुट ले रहे हैं पहले डिक्लेयर भी करेंगे, तो इजी सा प्रोग्राम है। आईओ सर्टिम डाटा चला गया, कोनियो डाटा चला गया, वाइड मेन लग दिया, तो डबल डबल क्या है, डाटा टाइप है फ्लोट में, ठीक है, रियल वैल्यूज यानी कि शारी वाली भी हो सकती हैं। एक हमने क्या ले लिया, प्रिंसिपल अमाउंट जिसमें इनपुट करवानी थी, फिर हमने क्या ले लिया आर, आर हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, टी क्या आ गया, टी हमारे पास आ गया टाइम, नंबर ऑफ ईयर्स, और आई क्या आ गया कि इन पी आर टी पे जो भी कैलकुलेशन करवाएंगे उसका आंसर आई में आएगा, तो आई यानी कि प्रोसेसिंग होगी और फिर आई की वैल्यू स्क्रीन पे शो हो जाएगी। तो देखें क्लियर स्क्रीन लग गई। पहले उन्होंने क्या किया, इंटर प्रिंसिपल अमाउंट रेट टाइम, एक ही स्टेटमेंट में उन्होंने तीनों चीज़ों में वैल्यू स्टोर करवा दी, ठीक है। पहले जो एंटर करूंगा वो प्रिंसिपल अमाउंट पी में आएगा, फिर जो एंटर करूंगा वो आर में जाएगा, फिर जो एंटर करूंगा वो टी में जाएगा, ठीक हो गया। फिर सी आउट में क्या दिखा दिया, सी आउट में दिखा दिया है कि उनकी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, तो ये पी से वैल्यू उठाई जाएगी, ठीक है। पी से वैल्यू उठाने से पहले मैं आपको बता दूं, डबल कोटेशन में ये वाली चीज़ लिखी गई है, तो ये टू द पॉइंट स्क्रीन पे शो हो जाएगी प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट क्योंकि डबल कोटेशन के अंदर लिखी गई है, इज इक्वल टू आर एस, तो आगे जो भी वैल्यू पी में हमने रखवाई थी, तो जो भी इनपुट की होगी, फर्ज किया मैं कहता हूँ 23.7 लिखा हुआ है, तो ये स्क्रीन पे शो हो गया। अब ये नेक्स्ट लाइन पे जो बैक स्लैश एन लगा है, ये स्केप सीक्वेंस है, इसे नेक्स्ट लाइन पे आएगा, तो ये डबल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ टू द पॉइंट स्क्रीन पे शो होगा, यानी कि ये आ जाएगा रेट इज इक्वल टू, रेट इज इक्वल टू, इसके बाद देखें आर में से वैल्यू उठाई जाएगी जो हम शो करवाएंगे, ठीक है। और इसके आगे ये परसेंटेज का साइन आ जाएगा, ठीक है, जो पहले यहाँ पे वैल्यू आएगी और फिर यहाँ पे परसेंटेज का साइन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन दोबारा नीचे लाइन पे आ जाएगा, टाइम की वैल्यू ये है, तो फिर एट द एंड सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल आ जाएगी, आई के इक्वल आ जाएगी, आई से वैल्यू उठाई जाएगी, ठीक है। तो ये सारा है, तो यहाँ पे हम ये देखें अमाउंट रेट टाइम ये वाली चीज़ें आ गई, अमाउंट रेट ये आ गई, रेट आ गया, टाइम आ गया, और इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट आ गया, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट का फार्मूला नहीं यूज़ किया हुआ। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, इंटरेस्ट का फार्मूला क्यों नहीं यूज़ किया गया, पी की वैल्यू भी आ गई, आर के भी आ गए, टी के भी आ गए, आई में कहाँ से वैल्यू आई। तो यहाँ पे एक फार्मूला आएगा, यहाँ पे एक फार्मूला मैं लिखना भूल गया हूँ, तो सीन के नीचे यानी कि सीन के नीचे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एक फार्मूला आएगा, वो फार्मूला कौन सा होगा, इंटरेस्ट आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय पी स्टैटिक आर स्टैटिक टी, ठीक
सारी चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड कर देंगे 100 पे, और डिवाइड कर देंगे 100 पे, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला हो जाएगा। और ये आई की वैल्यू कहाँ से आएगी, जो भी हमने वैल्यूज इनकी इनपुट करवाई थी सभी को मल्टीप्लाई किया जाएगा, 100 पे डिवाइड किया जाएगा, तो वो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आई को साइन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ये 1 हो। अब इसको सोल्व भी करके देख लेते हैं। देखे ना उन्होंने कौन कौन सी वैल्यू दी, 100 दी, मल्टीप्लाई बाय 5 दी, मल्टीप्लाई बाय 3 दी, और डिवाइड में हमारे पास कितना है, डिवाइड में भी 1 1, ये 100 नहीं है, ये 1000 है, ये देखे ना 1000 लिखा हुआ, तो 1000 है, ठीक है। अब देखें तो ये 2 0 2 0 से कैंसिल हो गए, 5 3 बार 15, तो 10 ज़रबे 15, तो आंसर आ गया 150, ठीक है। तो यही लिखा हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की लेक्चर की समझ आई होगी। सी इन को यूज़ करना सीखा, क्या हमने सीखा, सी इन और ये, ठीक है। और अगर ज़्यादा वेरिएबल्स हो तो सी इन एक्स वाई, अगर इससे भी ज़्यादा हो यानी कि अगर हम निकलना हो तो फिर हम लिखेंगे सी इन एक्स, हम ऐसे भी करवा सकते हैं सी इन वाई, सी इन जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन वो लास्ट में पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, ऑलवेज स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।